हेलो नमस्कार, आप लोगों का फानी गेम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है उसकी पार्ट टू को। तो फटाफट जुड़ जाएं और इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। इसमें जो हम ऑनलाइन के तौर पर देख रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, अभी आज इसमें भी आप न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका इसका फाइनल वीडियो रहेगा उसमें आप देखेंगे न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन को। तो भाई आज ही जो है आपके 200 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो है अगला जो आएगा उसमें जो है लगभग आपके 100 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, तो 300 लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि अब इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। शुरू करते हैं और देखते हैं वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर पहला पॉइंट है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कल्टिवेटर की विशेषताएँ, फीचर्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टिवेटर्स। तो यहाँ पे कल्टीवेटर की विशेषता हमने जो पिछले में देखा था, जो इंपॉर्टेंट आपके फैरोज थे, यहाँ पे जो है प्लॉज थे यानी हल थे, उनके बारे में। अब यहाँ पे कल्टीवेटर की पहला आपका दे रखा है कानपुर कल्टीवेटर। यह कल्टीवेटर लोहे का बना होता है जिसमें 5 साविल लगे होते हैं। इसका संपूर्ण खिंचाव 115 केजी होता है, जिसे साधारण बैल भी खींच सकता है। इसके भार उच्च कार्बन इस्पात के तथा शेष भाग मृदु इस्पात के बने होते हैं। औसत भार कितना होता है 37 केजी। कानपुर कल्टीवेटर, दिस कल्टीवेटर मेड ऑफ द आयरन विद 5 सोवेल अटैच्ड टू इट्स स्टोवेल 115 केजी। यहाँ पे जो है टोटल स्ट्रेस की बात की रहा है, विच कैन द पुल्ड इवन बाय द ऑर्डिनरी वेल, इट इज मेड हाई कार्बन स्टील एंड द रिमेनिंग पार्ट द मेल्ड स्टील। एवरेज वेट जो है आपका यहाँ पे कितना होता है 37। माइक्रोमैनिक कल्टिवेटर की बात कर रहे हैं, इस कल्टिवेटर के सभी भाग जो है ढलवा इस्पात के बने होते हैं। किसके ढलवा इस्पात के, भारों के बीच की दूरी कम या अधिक करने के लिए उसमें लीवर लगा होता है। इसको चलाने के लिए 2 आदमी तथा 1 जोड़ी बैल की जरूरत पड़ती है। इसमें सावल की संख्या 5-6 हो सकती है। कुल खिंचाव जो है 125 केजी। माइक्रोमिक कल्टीवेटर, ऑल पार्ट्स ऑफ दिस कल्टीवेटर आर मेड ऑफ द कास्ट स्टील, दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द फरोस आर लीवर इज इंस्टॉल इन इट। इट रिक्वायर्स 2 मेन एंड 1 पेयर ऑफ बोल टू रन इट। द नंबर ऑफ द सवेल इज 5 एंड 6, द टोटल स्ट्रेच 125 केजी। वाह वाह कल्टीवेटर की अगर खासियत की बात करें, इसकी जो विशेषता है, वाह वाह कल्टीवेटर में 3 से 5 सावेल लगे होते हैं। 3 सावेल वाले कल्टीवेटर को वाह वाह जूनियर कल्टीवेटर और 5 सावेल वाले जो होते हैं उनको वाह वाह सीनियर कल्टीवेटर कहते हैं। इस कल्टीवेटर सावेल के बीच की दूरी केवल काबले खोलकर, यहाँ पे जो बोल्ट रहेगा, ठीक है, दूरी का बोल्ट खोलकर, यहाँ पे का बोल्ट रहेगा यानी कि बोल्ट रहेगा, ठीक, बोल्ट खोलकर दाएं बाएं हटाकर कम या अधिक की जा सकती है। जूनियर कल्टीवेटर से बीज बोने का भी कार्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके सावल उच्च कार्बन इस्पात के हरिश लकड़ी की तथा शेष भाग इस्पात के बने होते हैं। कुल खिंचाव 139 केजी, गहराई जो है 6.25 केजी। वावा कल्टीवेटर, वावा कल्टीवेटर हैज 3 और 5 सावल्स कल्टीवेटर विद 3 सेवल्स कॉल्ड वावा जूनियर कल्टीवेटर, कल्टीवेटर विद 5 सेवल्स कॉल्ड वावा सीनियर कल्टीवेटर। दिस डिस्टेंस बिटवीन द कल्टीवेटर सॉवल इज इंक्रीज और डिक्रीज बाई द ओपनिंग द सॉवल एंड रिमूविंग द लेफ्ट एंड राइट। सोमिंग ऑफ द सीड ऑल्सो यहाँ पे डन बाई जूनियर कल्टीवेटर, सोमिंग ऑफ द सीड ऑल्सो डन बाई द जूनियर कल्टीवेटर, इट्स सॉवल आर द मेड ऑफ द हाई कार्बन स्टील हैरिस वुड एंड द रेस्ट ऑफ द स्टील। टोटल स्ट्रेच यहाँ पे 139 एंड डेप्थ आपका कितना है 625 सेंटीमीटर। शाबाश कल्टीवेटर, इस कल्टीवेटर में गेज सील नहीं होती है, इसके स्थान पर हरीस लगाया, हदीस नहीं हरीस यहाँ पे होगा, हरीस लगाई जाती है। इसकी चौड़ाई एक बोल्ट को खोलकर आगे पीछे करने से घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसमें रूटर तथा फारोवर भी लगाया जा सकता है। कुल खिंचाव 130 से 35 केजी, गहराई जो है 6 से 7। शाबाश कल्टीवेटर, दिस कल्टीवेटर डज नॉट हैव अ गेस व्हील, इंस्टेड अ हैट इज यूज्ड, यहाँ पे हरीस हो जाएगा, ठीक है, हरीस हो जाएगा, इज यूज इट बिट्स एंड कैन बी डिक्रीज बाय द अनस्क्रीविंग अ बोल्ट एंड द मूविंग टू बैक एंड फोर्थ। रूटर एंड द फॉरवर्ड कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल इन इट एंड द टोटल स्ट्रेच 130 से 35 एंड द डेप्थ ऑफ 7 to 6। आर्यन कल्टीवेटर, इस कल्टीवेटर में 3 खुरपे लगे होते हैं। इसका हत्था लगा होता है, मतलब इसमें एक हत्था लगा होता है। हदीस यहाँ पे हरीस ये, ठीक है, हरीस द्वारा गहराई को कम या अधिक किया जा सकता है। इसके द्वारा बीज की बुआई भी की जा सकती है। इसमें फॉरवर लगाकर कुंड बनाई जा सकती है। आर्यन कल्टीवेटर, दिस कल्टीवेटर हैज 3 होप्स एंड द 1 हैंडल, डेप्थ कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई हरीश। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सोविंग सीड्स, अ फूल कैन बी द मेड बाई द फूटिंग फॉरो इट इन इट। ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर की बात करें, ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर्स का आकार बड़ा होता है और हरीश के स्थान पर ही हीचिंग व्यवस्था होती है। प्रत्येक देखिए, हीचिंग मतलब आप क्या जोड़ने से बात की जा रही थी,
प्रत्येक सहायक और फ्रेम के साथ एक मोटी और मजबूत कमानी लगी होती है। इसमें 7, 9 और 11 तथा 13 टाइन लगी होती हैं, या दो प्रकार की होती हैं, दृढ़ टाइन कल्टीवेटर और स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर। ध्यान रखिएगा, ट्रैक्टर ऑपरेटेड कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड कल्टीवेटर आल्सो बिगर इन साइज एंड देयर इज द हीचिंग अरेंज एट द प्लेस ऑफ द हरीज इट सेल्फ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग इन अटैच टू द ईच सेक एंड फ्रेम इट हैज 7, 9, 11 और 13 टाइन्स। इट इज टू टाइप्स, कौन कौन है, दृश टाइन कल्टीवेटर एंड द स्प्रिंग टाइप कल्टीवेटर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, वल लायर के तौर पर जो आपके क्वेश्चन उनको देखेंगे। करण निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भू परिष्करण तंत्र का यंत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड ग्राउंड रिफाइनिंग मशीन, कौन है, कल्टीवेटर। निम्न में से किस फसल में मिट्टी नहीं चलाई जाती, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप सोइल इज नॉट अपाइल्ड, किसमें, चना में। निम्न में से कौन दो हत्थे वाला हल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू हैंडेड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका प्लो हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, प्रजा हल। कुंड की दीवार के विरुद्ध हल तल को संतुलित करता है, बैलेंस द प्लो प्लेन अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सिस्टर्न, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, दाबरोधी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंटी प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे फेरो हो जाएगा। गेज व्हील का कार्य, गेज इज ए फंक्शन ऑफ द व्हील, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गहराई को नियंत्रित करना, कंट्रोल टू द डेप्थ। नट व बोल्ट बने होते हैं, नट आर बोल्ट आर मेड, तो ये किसके होते हैं, उच्च कार्बन इस्पात के होते हैं, उच्च कार्बन इस्पात के, तो कार्बन स्टील के बने होते हैं। यूपी नंबर टू हल्का ऊर्ध्वाधर झुका होता है, यूपी नंबर टू द वर्टिकल इंक्लिनेशन ऑफ द प्लो इज कितना होता है, 2 mm होता है। हल से जुताई करते समय कुछ भूमि बिना जुताई के रह जाती है, वाइल फ्लोइंग विद अ फ्लो सम लेड इज लेम्प्ड अनकल्टीवेटेड, भाई अगर देसी हल से करते हैं तो ऐसी होती कंडीशन की कुछ जो जमीन होती है क्या होती है, छूट जाती है बिना जुते हुए, तो क्या कहते हैं, कंट्री फ्लो। बखर हल का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, बखर फ्लो इज द मोस्टली यूज, कहाँ पे, बुंदेलखंड में। मिट्टी पलट हल भूमि में अंदर घुसता है, सॉइल ओवरटर्निंग फ्लो पेनेंटर्स इंटू द ग्राउंड, तो कहाँ, ऊर्ध्वाधर झुकाव के कारण, ड्यू टू द वर्टिकली टिल्ट। सीड बॉक्स में बीज को हिलाने डुलाने कार्य किया जाता है, द वर्क ऑफ द मूविंग सीड्स एंड सीड बॉक्स इज डन, किसको द्वारा, बिलो डक के द्वारा, बाय द स्टीरियर। अकोला हो जो बैलों से चला जाता है उसे खुरपों की संख्या होती है, अकोला हो विच इज ड्राइवन बाई ऑक्सीजन द नंबर ऑफ द होप्स इट, कितनी होती है, 3 यहाँ पे होती है, ध्यान रखिएगा। मोर्चा अवरोधी बनाने के लिए स्टील के डिब्बों पर किसके पर चलाई जाती है, टू में का दी फ्रंट बैरियर स्टील कैन कैंस और कोटेड विथ, किसके की जाती है, टीन के यहाँ पे कोट की जाती है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा यंत्र बहुउद्देशीय यंत्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट, कौन हो जाएगा, कंट्री प्लो हो जाएगा, देसी हल हो जाएगा। किस प्रकार की फार्मिंग गनेल होता है, व्हाट टाइप ऑफ द फॉर हैज द गनेल, किस में होता है, स्लीप फॉर में, स्लीप फैरो में। नेक्स्ट वन, किस प्रकार के हल में स्लीप नोज फॉर प्रयोग किया जाता है, इन विच टाइप ऑफ द फ्लो स्लीप नोज फॉर इज यूज, किस में होता है, पंजाब हल में, पंजाब फ्लो में, पंजाब हल में फार किस लोहे का बना होता है, विच आयरन इज मेड ऑफ द फार इन पंजाब प्लो, तो यहाँ पे पंजाब प्लो में जो होता है आपका फार जो बना था किसका होता है, मृदु केंद्र इस्पात का, सॉफ्ट सेंटर स्टील का। किस लोहे से बने दाबरोधी सबसे अच्छे दाबरोधी होते हैं, विच आयरन एंटी प्रेशर द बेस्ट एंटी प्रेशर, तो किसे, द्रुत शीतित ढलवा से यानी चील्ड कॉस्ट आयरन से जो बनते हैं वो क्या होते हैं, लोहे से बने दाबरोधी सबसे अच्छे दाबरोधी होते हैं। मेस्टर्न हल के मोल्ड बोर्ड की लंबाई होती है, मोल्ड बोर्ड की लंबाई की बात करें, द लेंथ ऑफ द मोल्ड बोर्ड ऑफ द मेस्टर्न प्रोहित कितनी होती है, 38 सेंटीमीटर। मटियार दोमट भूमि की जुताई के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है, विच प्लो इज यूज फॉर फ्लोइंग द मटियार लोम लैंड, किसका, साबास हल का, साबास प्लो। नेक्स्ट वन, किस हल में दाबरोधी नहीं होता है, विच सॉल्यूशन डज नॉट हैव एंटी प्रेशर, किसमें होता है, टर्नेस्ट में आपका टर्नेस्ट जो प्लो होता है उसमें क्या होता है, दाबरोधी नहीं होता है। किस प्रकार का हल वी आकार का होता है, यानी शेप जो उसका, विच फ्लो हैज वी शेप, तो कौन होता है, टर्न रेस्ट का जो है यहाँ पे शेप कैसा होता है, वी के जैसा होता है। ढाल भूमि पर जुताई करने के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है, विच फ्लो इज यूज फॉर द प्लोइंग द स्लोप लैंड, तो किसका, टर्न रेस्ट का ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कुंड की दीवार के विरुद्ध हल तल को सहारा देती है, द फ्लो सपोर्ट द बॉटम अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सिस्टर्न, किसका होता है, गनेल का यूज यहाँ पे किया जाता है। हल का परिणाम होता है यहाँ पे जो है प्लो, सोल्यूशन ही प्लो रहेगा। प्लो इज द रिचर्ड फॉर की पंख से दाबरोधी तक लंबो दूरी, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द विंग ऑफ द इंडस्ट्री, फायर का इसलिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हल्का यहाँ पे जो बात की जा रही है। बाहर से भीतर की तरफ जुताई करते समय अंतिम कोण को क्या कहते हैं, व्हाट इज द लास्ट फैरो कॉल्ड, व्हेन
फ्लोविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो यहाँ पे जो इसको क्या कहेंगे, खुला कुंड कहेंगे, ओपन फैरो कहेंगे। भीतर से बाहर की तरफ जुताई करते समय जो पहली कुंड बनती है, द फर्स्ट फैरो दैट इज द फाउंड विन द फ्लोविंग फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, इसको क्या कहेंगे, फ्रेस्ट कुंड कहेंगे, सरफस फैरो कहा जाएगा। फार की नोक तथा दाबरोधे की पेली के लंबोद झुकाव को कहते हैं, द वर्टिकल इंक्लिनेशन ऑफ द टिप ऑफ द फैरो एंड द बॉटम ऑफ द प्रेशर रजिस्टर्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, घड़ा झुकाव कहेंगे, स्टैंडिंग टिल्ट कहा जाएगा। पंजाब हलत्थे में प्रयोग होता है, पंजाब प्लो इज द यूज इन द हैंड, तो क्या होता है, मृदु इस्पात होता है, मेल्ड स्टील का यूज किया जाता है, किसमें, पंजाब का जो हैंड होता है। लकड़ी की हरीस प्रयोग होती है, वुड ग्रीन्स यूज्ड, यहाँ पे जो ग्रीन्स की बात की जा रही है, हरीस की बात की जा रही है, किसमें होती है, पंजाब हल में। सर्वाधिक खिंचाव वाला हल है, तो जो सर्वाधिक खिंचाव वाले हल है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो द प्लो विद द मोस्ट स्ट्रेस, तो कौन है, विक्ट्री है, ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट आपका, तो प्लो विद द मोस्ट स्ट्रेस कौन है, विक्ट्री प्लो है। प्रजा हल का क्षैतिज झुकाव होता है, द ओरिजेंटल इंक्लिनेशन ऑफ द प्लो इज, तो कितना होता है, 3 mm होता है, ध्यान रखिएगा। वाह वाह हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है, द वर्टिकल इंक्लिनेशन ऑफ द वाह वाह फ्लो इज, तो कितना होता है, 3 mm इसका भी होता है। प्रजा हल और वाह वाह हल का क्या होता है, इक्वल होता है, इसमें देखिए क्षैतिज है, इसमें ऊर्ध्वाधर, दोनों का अलग अलग, बस इतना है। पंजाब हल का खिंचाव होता है, द पंजाब फ्लो स्ट्रेस, यहाँ पे 140 kg होता है। किस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ए मेक ड्रेन, तो किसका, रिज मेकर का, रिज मेकर का। कानपुर कल्टीवेटर द्वारा कितनी गहराई तक भूमि को भुरभुरा बनाया जा सकता है, टू व्हाट डेप्थ द लैंड कैन बी मेड बाय द फेरिएबल बाई कानपुर कल्टीवेटर, किसका, 6 cm, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा हो है जिसे चलाने के लिए बैलों की जरूरत होती है, तो यहाँ पे बात की जा रही हो की, विच ऑफ द फॉलोइंग हो द नीड्स ऑक्सीजन टू ड्राइव, तो यहाँ पे अकोल हो जाता है, उसको बैलों की जरूरत होती है। निम्न में से कौन सा द्वितीय भू परिस्करण का यंत्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड अर्थ रिफाइनिंग मशीन, तो कौन है, वाह वाह हल, वाह वाह प्लो। ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है, द नंबर ऑफ द फार इन अ ट्रैक्टर ऑपरेटर कल्टीवेटर इज, तो किसमें होती है, 9 होती है। निम्न में से कौन सा कार्य कल्टीवेटर का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कल्टीवेटर, कौन है, मिट्टी को पलटना। वावा सीनियर कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है, वावा सीनियर कल्टीवेटर हैज नंबर ऑफ द फार, कितना होता है, 5। निम्न में से कौन सी हैरो की किस्म नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हैरो, कौन है, डिस्क हल, या डिस्क हैरो होता तो आपका सही हो जाता, ठीक है, हैरो होता। बागों में निराई गुड़ाई के लिए सबसे प्रमुख यंत्र, वीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द वीडिंग इन द ऑर्कियार्ड्स, कौन होता है, डिस्क हैरो होता है। गन्ने की फसल में अंधी गड़ाई के लिए प्रयोग करते हैं, यूज द ब्लाइंड वर्निंग व्यूरिंग इन द शुगर कैन क्रॉप, तो क्या होता है, खूटीदार हैरो का प्रयोग किया जाता है, पेग हैरो का बात की जाती है। खुरचनी का प्रयोग होता है, स्क्रेपर इज यूज, तो कहाँ पर, भूमि को समतल करने के लिए, टू लेवल द ग्राउंड। सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, सीड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ड्रिल, तो यहाँ पे जो है आपका किसी द्वारा बीज से बीज की दूरी जो होती है, सीड ड्रिल के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती, यानी नियंत्रित नहीं की जा सकती, सीड टू सीड डिस्टेंस। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस हैरो का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैरोज इज बींग यूज ऑफ द मोस्ट, किसका, डिस्क हैरो का। निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग बुआई के लिए नहीं किया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर द सोविंग, किसका, पंजाब हल का। रिपर में कटर वार की गति होती है, द कटर वार स्टीप स्पीड इन द रिपर इज कितनी होती है, रेसिप्रोकेटिंग होती है, इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बीज मापने की विधि है, द मेथड ऑफ द मेजरिंग सीड, तो इसको क्या कहेंगे, कप सील टाइप, इससे माप सकते हैं, इंटरनल डबल रन टाइप, इससे माप सकते हैं, फ्लोटिल रोलर टाइप, ये सब जो क्या है, बीज मापने की विधि है, कप फीड टाइप, इंटरनल डबल रन टाइप एंड द फ्लोट रोलर टाइप, ये सब जो क्या है, यहाँ पे बीज मापने की विधि है। रिपर में लगे पीटमैन का मुख्य कार्य है, यानी प्रमुख कार्य, पीटमैन इंगेज इन द रिपर्स मेन टॉस इज, रिपर की कटर बार को क्रैंक व्हील से जोड़ना, कनेक्टिंग टू द रिपर कटर बार टू द क्रैंक व्हील। नेक्स्ट है पाउल और रेचिट का कार्य है, पाउल एंड द रेचिट्स वर्क इज, क्या होता है, बीज ड्रिल के खेत में मुड़ते समय बीज गिरने की क्रिया का जारी रखना, यानी जब मुड़ता है तो वहाँ पे भी आपको क्या है कि बीज जो गिरना है उसको जो है, ये ना हो कि रुक जाए वहाँ पे बीज छोड़ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ द सीड ड्रॉप्स एक्शन, द वाइल्ड टर्निंग इन द सीड ड्रिल व्हील्ड, पावर डीलर की आवश्यक शक्ति होती है, हॉर्स पावर ऑफ द पावर टीलर इज, कितनी होती है, 2 to 12 हॉर्स पावर। थ्रेसर में दाना टूटने का प्रमुख कारण है, द मेन रीजन फॉर द ग्रेन ब्रेकिंग इन द थ्रेसर, तो क्या होता है, सिलेंडर की अधिक गति, द हाई सिलेंडर स्पीड।
पैडी थ्रेसर प्रयोग किया था। पैडी थ्रेसर इज यूज तो किसकी, धान की मड़ाई के लिए, द पैडी थ्रेसिंग। पैडी थ्रेसर सिलेंडर किस टाइप का होता है, व्हाट इज द पैडी थ्रेसर सिलेंडर, लूप वायर टाइप का, लूप वायर टाइप। मोटर में लेजर प्लेट लगी होती है, द मोटर इज फिटेड विद अ लेजर प्लेट, कहाँ पे होती है, गार्ड में, फ्रॉम गार्ड। मोटर कार का प्रमुख कार्य है, द मेन फंक्शन ऑफ द मोटर गार्ड इज क्या होता है, कटर बार की रक्षा करना, प्रोटेक्ट कटर बार, यानी मोटर गार्ड का जो प्रमुख कार्य क्या है, कटर बार की रक्षा करना। पावर का RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी चक्कर प्रति मिनट कह सकते हैं हिंदी में। पावर थ्रेसर RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट की बात की जा रही है, कितना होता है, 800 चक्कर प्रति मिनट होता है। पावर थ्रेसर जो होती है उसकी बात की जा रही है, 800 पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। थ्रेसर का आकार निर्धारित किया जाता है, थ्रेसर साइज डिटरमाइंड तो किसके, सिलेंडर और स्टार रेक की चौड़ाई द्वारा, बाय सिलेंडर एंड स्टार रेक विड्थ। ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य है, द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक इज ट्रैक्टर, तो क्या होता है, कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाना व गिराना, रेजिंग एंड द लोविंग फ्रॉम द मशीनरी। ट्रैक्टर की PTO यानी पावर टेक ऑफ की बात की जाए, शाफ्ट के चक्कर होते हैं, द PTO पावर टेक ऑफ शाफ्ट ऑफ द ट्रैक्टर रिवॉल्व्स अराउंड, कितना होता है, 540 प्लस और माइनस, आपका यहाँ पे जो है 10 ऊपर नीचे आपका हो जाए, मतलब या तो 10 अधिक हो सकता है या तो 10 आपका कम हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। बूट सी ड्रिल में लगा होता है, बूट सी ड्रिल टू जॉइंट, किसमें, बीज नलिका के नीचे, ब्लू दी सी ट्यूब। टिबलर में खूंटियों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ दी फिक्स इन दी टिबलर इज, कितनी होती है, 27। सीड ड्रिल कैलिब्रेशन से क्या किया जाता है, व्हाट इज डन विद दी सीड ड्रिल, तो क्या होता है कैलिब्रेशन, तो क्या होता है, इससे बीज दर को जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है मापते हैं या यहाँ पे जो उसको ज्ञात करते हैं। सीड ड्रिल की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए प्रारंभिक मूल्य का कितना प्रतिशत किया जाता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉस्ट फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सीड ड्रिल, कितना, 1.5%। वाल सिस्टम का प्रकार नहीं, डज नॉट वाल सिस्टम, देखिए के हेड टाइप का यहाँ पे हो जाएगा, वाल सिस्टम का ये आपका प्रकार नहीं है। अवमूल्यन ज्ञात करने का सूत्र है, फार्मूला ऑफ द फाइंडिंग द डिस्पर्शन इज डिस्प्रिसिएशन, तो यहाँ पे पी माइनस एस और बाई में जो आपका यल हो जाएगा। अवमूल्यन मतलब जो उसमें घिसाव पिटा होता है, जैसे मशीनें आपको जो पुरानी होती हैं उसमें जैसे कि चल रहा है तो उसमें घिसाव पिटा, ये सब निकालने के लिए बात की जाएगी। मशीनों की चिकनाई के लिए प्रारंभिक मूल्य का कितना प्रतिशत बैक किया जाता है, पर किया जाता है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनिशियल प्राइस इज बैक्ड अप फॉर द लुब्रिकेटिंग मशीन, तो यहाँ पे 0.5 यानी आपका जो है मशीन को जो अच्छा बनाए रखने के लिए जो कितना परसेंट जो है मूल्य यहाँ पे हम स्टार्टिंग में उसको पे करते हैं, इस चीज़ की बात की जा रही है। कल्टीवेटर की अनुमानित आयु होती है, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द कल्टीवेटर, कितना होता है, 10 वर्ष होता है, 10 ईयर्स होता है। 8 घंटे सीड ड्रिल द्वारा कितने क्षेत्र की बुआई की जा सकती है, हाउ मच एरिया कैन बी सोच बाई 8 आवर्स इन ड्रिल, कितना, 1.75 हेक्टेयर। कानपुर कल्टीवेटर का कुल खिंचाव होता है, द टोटल स्ट्रेच ऑफ द कानपुर कल्टीवेटर, कितना, तो 1/115 हो जाएगा। आल पैड ब्रेसर में कुल तवे की संख्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ द फैंस इन एन आल पैड ब्रेसर, तो कितना होता है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर उसको समझ लीजिएगा, ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश हमेशा किया करिए, कहीं भी रहें, एग्जाम में रहें या आप यहाँ पे रहें, ठीक है। डिस्क हल्का टिल्ट कोण सामान्यता होता है, द टिल्ट एंगल ऑफ द डिस्क फ्लो इज द, कितना होता है, 50 डिग्री होता है, यानी लिखिएगा 15 डिग्री। डिस्क हल्का टिस्ट कोण होता है, देखिए डिस्क हल्का डिस्क कोण की बात करें, यहाँ पे डिस्क हल्का टिल्ट कोण पूछ रहा है, यहाँ पे डिस्क कोण, द डिस्क एंगल ऑफ द डिस्क फ्लो इज द, कितना हो जाएगा, 42 से 45 डिग्री। मोर का आकार होता है, द शेप ऑफ द पीकॉक, यहाँ पे मोर यहाँ पे है, ठीक है, मोर रहेगा MOAR, ठीक है, पीकॉक नहीं रहेगा। कटर बार की लंबाई, कटर बार लेंथ, डायनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है, मेजर बाय द डायनोमीटर, देखिए यहाँ पे आपका डायनोमीटर जो है एग्रीकल्चर में हल्का संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फुल स्ट्रेच ऑफ द प्लो, हल्के खिंचाव को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है, मेजर ट्रैक्टर अफेंटिंग द, यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, ठीक है, इसको आगे होगा, आगे है भाई, यहाँ पे है। हल्के खिंचाव को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेच ऑफ द फ्लो, तो यहाँ पे कूड़ की चौड़ाई है, ये भी आपको प्रभावित करती है, कूड़ की गहराई भी, व भूमि का प्रतिरोध, द विड्थ ऑफ द सिस्टर्न, द डेप्थ ऑफ द सिस्टर्न, द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड, तो यहाँ पे सभी चीज़ें क्या है, हल्के खिंचाव को प्रभावित करती हैं। यंत्रों की कार्य क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है, द फार्मूला ऑफ द फाइंड द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हेक्टेयर बराबर WS बाई 1000 आपका इंटू 100 माइनस नष्ट समय या वेस्ट टाइम परसेंटेज बाई 100।
हल्कों खींचने में लगे समस्त खिंचाव का कितना प्रतिशत कोण काटने में लगता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्ट्रेस रिक्वायर्ड द पुल द फ्लो इज कट बाय द फायरो, तो यहाँ पे 48% लग जाता है, 48%। निम्न में से कौन सा पंप पानी में डूबा रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप रिमेन्स सबमर्ज्ड इन द वाटर, तो सबमर्ज्ड यानी समरसिबल, समरसिबल पंप। टर्बाइन पंप में अधिकतम इंपेलर हो सकते हैं, द मैक्सिमम इंपेलर आर टर्बाइन पंप कैन हैवी, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। एक इंपेलर से कितनी ऊंचाई तक पानी उठा सकते हैं, हाउ हाई कैन यू लिफ्ट वाटर विथ एन इंपेलर, तो कितना, 5 से 8 मीटर। नेक्स्ट है, बिग केंद्रीय पंप में पानी उठाया जाता है, व्हाट इज द पीक ऑफ इन द सेंट्रल पंप, तो इंपेलर द्वारा उठाया जाता है, बिग केंद्रीय जो पंप भी होता है उसमें इंपेलर द्वारा पानी को उठाते हैं। विकेंद्रीय पंप की आरपीएम है, द आरपीएम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1400 यहाँ पे आरपीएम हो जाएगा, ठीक है, राउंड पर मिनट की बात की जा रही है। समरसिबल पानी पंप से पानी अधिकतम कितनी गहराई से उठाया जा सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वाटर दैट कैन बी रेस्ड विद अ समरसिबल पंप, कितना, 300 मीटर। पाइमिंग का तात्पर्य, व्हाट द मीन बाय द पाइमिंग, कितना था, पंप से हवा को बाहर निकालना, इसका मतलब क्या होता है, पंप से बाहर निकालना, ठीक है, क्या, पंप एयर आउट। विकेंद्रीय पंप का अधिकतम चूषण डेप्थ है, द मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट ऑफ आ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, कितना था, 6.5। किस प्रकार के पंप में विद्युत मोटर की लंबाई अधिक व व्यास कम होता है, विच टाइप ऑफ पंप हैज मोर लेंथ एंड लेस डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, तो कितना था, समरसिबल पंप की मोटाई, तो यहाँ भाई किस प्रकार के पंप में जो है, यहाँ पे तो समरसिबल जो पंप होता है उसके पंप की मोटर की बात की जा रही है, ठीक है, किस प्रकार के पंप में विद्युत मोटर की लंबाई अधिक व व्यास कम होता है, तो समरसिबल जो पंप होता है उसके मोटर की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, समरसिबल पंप मोटर। फुट वाल्व लगा होता है चूसड़ पाइप में, इंसक्शन पाइप में, गेट वाल्व लगा होता है, गेट वाल्व भी इंस्टॉल विद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में। भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला नलकूप कौन है, द मोस्ट यूज ट्यूब इन इंडिया, तो कौन है, केविट नलकूप, केविट ट्यूब की बात की जा रही है। विकेंद्रीय पंप से पानी कम मात्रा में आ रहा है, विकेंद्रीय पंप एक लगा है और उसमें जो है कम पानी मात्रा आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द कमिंग इन द लेस क्वांटिटी फ्रॉम द सेंट्रल पंप द रीजन, तो इसका क्या हो सकता है, सक्शन पाइप में रिसाव हो सकता है, इंपेलर के चक्कर प्रति मिनट कम हो सकता है, पंपिंग की केसिंग में हवा हो सकता है, इस प्रकार से क्या हो सकता है, विकेंद्रीय पंप जो है उसमें पानी कम आएगा, यानी लीकेज इन द सक्शन पाइप रिड्यूसिंग द इंपेलर रेवोल्यूशन पर मिनट, एयर लीक्स इन द पंप केसिंग, यानी ये सब समस्याएं हो सकती है भाई, सक्शन पाइप में आपका रिसाव हो सकता है, इंपेलर के प्रति चक्र मिनट जो आपका यहाँ पे आरपीएम है उसमें कमी हो सकती है, और पंपिंग की केसिंग में क्या हो सकती है, हवा हो सकती है, तो इससे क्या होगा, विकेंद्रीय जो भी पंप होगा पानी कम देगा। निम्न में से किस कारण से मोटर पर अधिक खिंचाव पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज मोर स्ट्रेन ऑन द मोटर, तो क्या हो सकता है, पंप की गति अधिक हो, पंप द्वारा अधिक पानी उठाया जा रहा है, संरेखण का गलत होना, मतलब जो है दिशा की गलत हो, पंप स्पीड हाई, पंप लिफ्ट मोर वाटर एंड द मिस लिगामेंट, यानी परिस्थितियां जैसे उसको नीचे बैठाने को वैसे नहीं, गलत तरीके से बैठाए गए हो। नलकूप के लिए स्थान का चुनाव किया जाता है, द लोकेशन फॉर द ट्यूब वेल इज सिलेक्टेड, तो यहाँ पे ढाल की दृष्टि से नीचा। किसी भी फसल में पहला पानी लगने और अंतिम पानी लगने के बीच, यानी लगाने के बीच के समय कहते हैं, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग एंड द लास्ट वाटरिंग इन एनी क्रॉप्स इज द कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, बेस कहा जाएगा। फसल के पूरे बेस समय में दिए गए पानी की कुल गहराई कहलाती है, द टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर गिवन ओवर द इंटायर बेस टाइम ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा कहा जाएगा। गेहूँ की फसल का बेस है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्रॉप, यहाँ पे 320 डिज। इंजन के वाल्व को खोलने या बंद करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, द एक्ट ऑफ द ओपनिंग क्लोज टू द वाल्व्स ऑफ द इंजन इज डन बाय, तो किसके द्वारा, कैम शाफ्ट के द्वारा। संपीड़न छल्ले लगे होते हैं, द कंप्रेशन रिंग्स आर अटैच्ड, किस में था, पिस्टन पर, ऑन द पिस्टन। चार स्ट्रोक चक्र इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है, पावर इज जनरेटेड इन फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन, तो कैक शाफ्ट के दो चक्कर घूमने पर, यानी पूरा होने पे, देखिए चार स्ट्रोक है तो उसका आधा लग रहा है, तो ऐसे अगर दो रहेगा तो उसका आधा लगेगा, तो जितना रहेगा उसका आधा आपका लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टू रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैक शाफ्ट, तो आपके लास्ट यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। इंजन का सिलेंडर ब्लॉक किस धातु का बना होता है, व्हाट मेटल इज द सिलेंडर ब्लॉक ऑफ इंजन मेड ऑफ, तो किसका, ढलवा लोहे का होता है, कास्ट आयरन का। पिस्टन जुड़ा होता है पिस्टन कनेक्टर, तो संयोजी छड़ द्वारा, कनेक्टिंग रॉड द्वारा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू आपका होगा, तो उसमें जो है हम यहाँ पे आगे इसकी जो है सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक। तो
भाई फटाफट इसको शेयर करें और मैक्सिमम लोग पहुँचाएँ, और आपके पास समय बहुत कम बचा हो तो आप तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी अमिताभ सर। थैंक यू।